ये तो परी है, तुमने परी का अपहरण क्यों करवाया? किडनैप नहीं करवाता तो और क्या करता था थी? मतलब? मतलब ये परी दीदी की अमानत है और बलराज ठाकुर इसे उठाकर नंदिनी को देना चाहता था। क्या? मगर आर्यन, ये सब तुम्हें कैसे पता? पदम सिंह का फोन आया था, उसने मुझे ये सब बताया। बलराज ठाकुर परी को उठाकर नंदिनी को देना चाहता था, इस बच्चे के लिए जिसके लिए मेरी बहन ने उस घर में इतने दुख तकलीफ देखे, उसे बलराज ठाकुर उठाकर नंदिनी को देना चाहता था, नंदिनी को इसकी मां बनाना चाहता था, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा दादी। इसका मतलब बलराज ने हमसे झूठ कहा, बलराज ने हमें धोखा दिया। अरे झूठ ही तो बोलता आया है वो, ये कौन सी नई बात? बलराज ठाकुर की तो शुरू से आदत रही है धोखा देने की, झूठ बोलने की, और आज भी उसने वही किया जो हमेशा से करता आया है। मेरी दीदी के हक को छीनना उसकी आदत बन गई है, को छीनता है और उसे नंदिनी को दे देता है, पर इस बार भी मेरी दीदी के बच्चे को छीनकर नंदिनी को उसकी मां बनाना चाहता था, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बस इसीलिए मैंने परी को वहां से उठवा लिया और अब परी इसी घर में रहेगी जब तक मेरी दीदी ठीक नहीं हो जाती। काश ऐसा ही होता बेटा, मगर बेटा उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। परी का अपहरण करके नहीं, कानून की नजर में अपहरण करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। और ये भी तो सोचो, बलराज को अगर पता चल गया कि परी का अपहरण तुमने किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बेटा, तुम आग से क्यों खेलना चाहते हो? आग से वही लोग खेलते हैं दादी, जो आग को काबू में कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब परेशान होने की बारी उनकी है। अब तो बस आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वेट एंड वॉच।